स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कोई गर्भवती महिला अगर अपना गर्भ गिराना चाहती है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका फैसला होना चाहिए, ना किसी और का। फिर तो यह हक मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस मानवी, आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं प्लीज, मुझे बताइए, मुझे यह है या नहीं। मिस्टर इंदर वदेरा, अपने मुअक्कल से कहिए शांत हो जाए। देखिए मिस मानवी, आपको जो भी कुछ बोलना है अपने वकील के थ्रू बोलिए। बैठो, मैं बात करता हूँ। सॉरी योर ऑनर। मिस सानिया, अगर मिसेज जीविका वदेरा को अपने शरीर के प्रति हर डिसीजन लेने का हक है, तो ये हक तो मेरे मुवक्किल को भी होना चाहिए ना, कि वो भी एक महिला है। ऑफ कोर्स, ये हक हर महिला को है, इनफैक्ट हर इंसान को है। तो फिर इस अधिकार से मैं अपनी बॉडी में मिसेज जीविका वदेरा का बोन मैरो लेने से इनकार करती हूँ, साफ इनकार। सावधान, मानवी चौधरी बनाम जीविका वडेरा, केस नंबर 845 की सुनवाई के लिए माननीय न्यायाधीश श्रीमती राधा वर्मा पधार रही है। क्या हुआ जाजू? लेडी जज होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ शायद, हमारे खिलाफ, क्योंकि ज्यादातर अगर लेडी जज हो तो डिसीजंस औरतों के अधिकारों के हित में होता है, या हमारे केस में शायद अबॉर्शन के खिलाफ। फिरें जी, ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छी शुरुआत है। बैठ जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं आप सबको इस बात की इतला करना चाहूंगी कि ये एक फैमिली कोर्ट है, और हमारी पहली कोशिश रहती है कि परिवार के दो सदस्यों का मामला आपसी बातचीत से सुलझ जाए तो बेहतर है। मैं देख रही हूं कि ये दो सगी बहनों का केस है, मिस मानवी चौधरी और मिसेस जीविका वधेरा। क्या आप दोनों पूरी तरह से श्योर हैं कि कोर्ट आपके मामले में दखलअंदाजी करे? Yes, Your Honor. जी हाँ योर ऑनर। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। द कोर्ट इज इन सेशन। योर ऑनर, इस मानवी चौधरी और मिसेज जीविका वदेरा केस में मैं अपने मुवक्किल मिस मानवी चौधरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल एक कैंसर पेशेंट है, और वो अपनी बहन मिसेस जीविका वदेरा से बोन मैरो लेने से इनकार कर रही, क्योंकि योर ऑनर, मिसेस जीविका वदेरा प्रेग्नेंट है। और उनको डोनर बनने के लिए अपने बच्चे को गिराना होगा, यानी कि अबॉर्शन करना, जो कानून ने एक अपराध है। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी मुवक्किल मिसेस जीविका वडेरा सिर्फ 10 हफ्ते प्रेग्नेंट है। ये रही उनकी मेडिकल और सोनोग्राफी रिपोर्ट्स।
योर ऑनर, हमारा कानून एक महिला को 20 हफ्ते तक किसी विशेष परिस्थिति में अबॉर्शन करने का पूरा हक देती। मेरी मुवक्किल मिसेज जीविका वढेरा भी कुछ ऐसी परिस्थिति में, उनकी बहन मानवी चौधरी को कैंसर है, अगर इमीडिएट बेसिस पर उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया तो उनकी मौत हो सकती है। मैं अदालत से सिर्फ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरी मुवक्किल मिसेज जीविका वढेरा को एक मौका दिया जाए कि वो अपनी बहन मानवी चौधरी की जान बचा सके। ये उनका लास्ट और आखिरी चांस है जीने का। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लास्ट एंड फाइनल चांस, आई एम सॉरी, आई बिग टू डिफर। ये फैसला आपने कैसे कर लिया? योर ऑनर, मिसेस जीविका के वकील मिस्टर वीरेन वढेरा से मैं ताल्लुक नहीं रखता और उन्हें गलत साबित करने के लिए मैं यहां पर डॉक्टर राहुल मेहरा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योना। जो भी कहूंगा सब सच कहूंगा। डॉक्टर मेहरा, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि सिर्फ मिसेस जीविका वढेरा ही मानवी चौधरी को बचा सकती है? इन अदर वर्ड्स, क्या मिसेस जीविका वढेरा ही मानवी चौधरी की बोन मैरो डोनर बन सकती और कोई नहीं है इस दुनिया में? नहीं, ऐसी बात नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग, एक इंसान के कई मैचिंग डोनर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या ये सच नहीं है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली से मानवी चौधरी के लिए एक बोन मैरो डोनर मिला था? जी मिला था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। सो यू सेइंग कि अगर थोड़ा ढूंढा जाए, थोड़ा वक्त भी लग जाए, तो इट्स पॉसिबल कि हमें मानवी चौधरी के लिए दूसरा डोनर मिल सकता है जीविका वढेरा के अलावा? जी मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। कम है लेकिन है तो। वैसे भी मिस्टर मेहरा, अगर सब कुछ इंसान के हाथ में होता तो वो भगवान नहीं कहलाता। योर ऑनर, डॉक्टर मेहरा का ये कहना है कि मिसेस जीविका के अलावा भी मानवी को और डोनर मिल सकते हैं, तो फिर मिसेस जीविका अपना अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती? क्यों अपने बच्चे की जान लेना चाहती? जब हम दोनों जाने बचा सकते हैं तो फिर एक जान की कुर्बानी क्यों? मिस्टर वीरेन, हमें ज्यादा से ज्यादा जाने बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कहते हैं? मिस्टर इंद्र वढेरा, शायद आप एक बात भूल रहे हैं। जब हमारे सामने दो जिंदगियां होती हैं, तो हमारी पहली प्रयास हमेशा वो रहती है कि जो जिंदगी हमारी आंखों के सामने है, हम उसे बचाएं। ये वो जिंदगी जो कल आने वाली। कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टर वढेरा आज होता है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर राहुल मेहरा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर मेहरा, मौजूदा हालात में मानवी की तबीयत कैसी है? सच कहूं तो मानवी काफी क्रिटिकल स्टेज पे है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्रिटिकल। और जब एक डॉक्टर खुद ये कहते हैं कि एक पेशेंट क्रिटिकल है, उसका मतलब यह है कि स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। डॉक्टर मेहरा, कुछ दिन पहले आपने मानवी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी, राइट? जी। पर वो सक्सेसफुल नहीं। क्या आप कोर्ट को बताना चाहेंगे क्यों? वो ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उनका जो पिछला डोनर था उसका मैच सिर्फ 516 था,
उनका एंटीजन कंपैटिबिलिटी टेस्ट फेल हो चुका था, विच मींस मानवी का ब्लड उनके ब्लड सेल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन तब तक हम मानवी का एक कीमो सेशन ऑलरेडी कर चुके थे, राइट? जी, और सेशन के दौरान हमने मानवी के डैमेज बोन मैरो सेल्स को निकाल दिया था, और इसीलिए इस वक्त मानवी की बॉडी हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही। और अगर हमने जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, द विटनेस इज ड्रॉइंग कंक्लूजंस। ड्रॉइंग कंक्लूजंस मिस्टर वडेयर? शायद आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर मेहरा एक कैंसर स्पेशलिस्ट है और वो मानवी के डॉक्टर है। ये हकीकत है मिस्टर वडेयर, कोई कंक्लूजन नहीं है। मिस्टर इंदर वडेयर विटनेस मानवी चौधरी के डॉक्टर है, इसलिए अदालत उनकी बातों को गंभीरता से लेगी। थैंक यू। डॉक्टर मेहरा, अभी आपने कहा कि मानवी की तबीयत काफी क्रिटिकल है, अगर इन हालातों में मिसेस जीविका वडेयरा अपना बोन मैरो उन्हें देती हैं, तो क्या आप गारंटी देते हैं कि मानवी की जान 100% बच जाएगी? जी बिल्कुल, जीविका और मानवी सगी बहनें हैं और उनका बोन मैरो 6-on-6 मैच करता है। Point to be noted, my lord, जीविका और मानवी का बोन मैरो 6-on-6 मैच करता है, that means मानवी चौधरी की जान 100% बच सकती है। और डॉक्टर मेहरा, इसकी जांच आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? जी। ये रही वो रिपोर्ट। और अगर वक्त रहते ही हम ये ट्रांसप्लांट कर दें तो बाकी मानवी की जान बचाई जा सकती है। योर ऑनर, रिपोर्ट्स का परिणाम आपके सामने है, बस आपकी इजाजत चाहते हैं। डॉक्टर मेहरा, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर मेहरा से एक और सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर मेहरा, कुछ दिन पहले मानवी के लिए जो डोनर मिला था, कि मानवी के ब्लड सेल्स ने अपने पिछले डोनर के ब्लड सेल्स को रिजेक्ट कर दिया था, तो इज इट नॉट पॉसिबल कि वो मिसेस जीविका वडेयरा के ब्लड सेल्स को भी रिजेक्ट कर दे? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि जीविका और मानवी का मैच 6-on-6 है, इसे मेडिकल टर्म्स में परफेक्ट डोनर मैच कहते हैं, इसीलिए मानवी का ब्लड जीविका के ब्लड सेल्स को रिजेक्ट नहीं करेगा। और ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। Thank you, Ron. That will be all. आप जा सकते। Your Honor, अब जिस व्यक्ति को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, उन्हें बुलाने से पहले मैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वो एक बहुत ही जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं और एशियन कोलंबियन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। एक अबॉर्शन के बाद एक माँ के ऊपर उसका क्या असर होता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पर उन्होंने काफी रिसर्च किया और ऐसे केसेस को काउंसिल भी किया। डॉक्टर नेत्र लाहिरी, मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं। जो भी कहूंगी सच कहूंगी। डॉक्टर लाहिरी, एक शादीशुदा औरत जब अबॉर्शन कराती है तो एक माँ पर उसका क्या असर होता है, अपने होने वाले बच्चे को खोने के बाद क्या उसका जीवन सामान्य रह पाता है? इस केस में मिसेज जीविका वडेयरा ने अपना अबॉर्शन कराने का फैसला किया है, ये फैसला उनके लिए किस हद तक घातक हो सकता है? मैं चाहता हूं कि आप कोर्ट को बताएं। वेल, मैं जितने भी पेशेंट से मिली हूं और उन्होंने मेरे साथ जो अनुभव शेयर किए हैं, उसको देखते हुए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपने बच्चे को एबॉर्ट करने के बाद एक माँ पर उसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। गिल्टी फील कर सकती है या रिग्रेट ले लीजिए। योर ऑनर, जब वो बच्चा गिराती है
तब उस समय वो उसकी नाजुकता को नहीं समझ पाती, लेकिन उसके बाद उनके दिलो दिमाग पर काफी लंबे समय तक इसका असर रहता है। मैं मिसेस जीविका वदेरा को पर्सनली नहीं मिली हूँ, इसलिए उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का मुझे अंदेशा नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि इस एबॉर्शन से मिसेस जीविका के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी। मिस्टर वीरेन वधेरा, क्या आप डॉक्टर लाहिरी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नो योर ऑनर, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मैं विटनेस बॉक्स में मिस पूजा सान्याल को बुलाना चाहूंगा। मिस सान्याल एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति मंच के नाम के लिए काम करती। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस सान्याल, क्या आप कोर्ट को विस्तार में बताना चाहेंगी कि वुमेन राइट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इस देश के कानून ने महिलाओं को अपने शरीर के प्रति हर फैसला लेने का स्वतंत्र अधिकार दिया है, लेकिन हमारा समाज इस बात को मानता ही नहीं। कोई गर्भवती महिला अगर अपना गर्भ गिराना चाहती है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका फैसला होना चाहिए, ना किसी और का। फिर तो यह हक मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस मानवी, आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं प्लीज, मुझे बताइए, मुझे हक है या नहीं? मिस्टर इंदर वदेरा, अपने मुअक्कल से कहिए शांत हो जाए। देखिए मिस मानवी, आपको जो भी कुछ बोलना है अपने वकील के थ्रू बोलिए। बैठो, मैं बात करता हूँ। सॉरी योर ऑनर। मिस सानिया, अगर मिसेज जीविका वदेरा को अपने शरीर के प्रति हर डिसीजन लेने का हक है, तो ये हक तो मेरे मुवक्किल को भी होना चाहिए ना, कि वो भी एक महिला है। ऑफ कोर्स, ये हक हर महिला को है, इनफैक्ट हर इंसान को है। तो फिर इस अधिकार से मैं अपनी बॉडी में मिसेज जीविका वदेरा का बोन मैरो लेने से इनकार करती हूँ, साफ इनकार, साफ इनकार करते हुए। सॉरी योर सॉरी मानवी, मानवी मैं सवाल कर रहा हूं ना, तुम प्लीज डिफेंड मत करो, बैठो तो सही। मिस सान्याल, तो ये हक मेरे मुवक्किल को भी होना चाहिए कि वो अपने डोनर को एक्सेप्ट करे या उसे रिजेक्ट करे। अब इस मेडिकल मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इस सवाल का बेहतर जवाब तो मानवी चौधरी के डॉक्टर ही दे सकते हैं। दैट बी ऑन योर। अदालत की प्रक्रिया 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। दिस कोर्ट टेक्स अ रिसेस फॉर 10 मिनट्स। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।